दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में दो नई अपडेट आई है। एक तो इसके आवेदन के बारे में है और एक दूसरी और अपडेट है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, वीडियो कंप्लीट देखें, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहली अपडेट है ई मित्र केंद्र क्या करे व क्या ना करे, इसके बारे में एक अपडेट है, जिसके तहत कहा गया है कि जो अलग अलग कैटेगरी के जो आवेदन है वो ई मित्र कियोस्क के माध्यम से किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों, भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही एक अपडेट है। तो इसके अंदर कंप्लीट गाइडलाइन है। तो पहला है एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का है। यदि जन आधार कार्ड में पात्रता प्रकार एनएफएसए दिखाता है तो पहले से ही योजना के तहत पंजीकृत है। अगर पहले से जन आधार कार्ड में एनएफएसए हैं तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये लोग पहले से ही योजना से जुड़े हुए हैं और इसको लाभ ले रहे हैं। एनएफएसए के पात्र परिवार के लिए ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन या पॉलिसी प्रिंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि जिसके भी एनएफएसए में यस दिखा रहा है उनका आवेदन आपको बिल्कुल नहीं करना है, न उनके पॉलिसी प्रिंट करने की जरूरत है, तो उनके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कस्टमर आए तो उनको क्लियरली ये कह दें कि आप पहले से ही खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हैं। दूसरा है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना वाला। तो दोस्तों, यह देख सकते हैं, यदि जन आधार कार्ड में पात्रता प्रकार एससीसी दिखाता है तो पहले से ही योजना के तहत पंजीकृत हैं। अगर पहले से जन आधार कार्ड में एससीसी हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये लोग पहले से ही योजना से जुड़े हुए हैं, उसको लाभ ले रहे हैं। एससीसी के पात्र परिवार के लिए ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन या पॉलिसी प्रिंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी दोस्तों समझ ले, जो एससीसी लिस्ट के अंदर है उनके ना तो रजिस्ट्रेशन होगा ना उनकी पॉलिसी प्रिंट की जरूरत है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, सर इनकी पॉलिसी प्रिंट कैसे करें? तो इनकी पॉलिसी प्रिंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही इनके रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और तीसरा है जो संविदा कर्मी है। तो दोस्तों, संविदा कर्मी के लिए आप जब यहाँ पे इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, यदि जन आधार कार्ड में पात्रता एन ए दिखाता है तो उन लोगों का पंजीयन करना आपको आवश्यक है। तो उसके अंदर अगर कोई संविदा कर्मी है तो संविदा कर्मियों के लिए सबसे पहले फ्री कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ऊपर दो कैटेगरी, एक पेड वाली होती है, एक फ्री, तो आप फ्री पे क्लिक करेंगे। फिर संविदा कैटेगरी में संविदा का चयन करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे आप, संविदा का चयन कर लेंगे। फिर जन आधार कार्ड डेटा के लिए सहमति देंगे, जो चेकबॉक्स आता है उसको टिक कर लेंगे। पहचान पत्र का चयन करेंगे, आप जन आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड रसीद संख्या डालना चाहते हैं। उसके बाद बॉक्स में आईडी नंबर दर्ज कर खोजे पे क्लिक करेंगे, डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप ई साइन कर लेंगे, यहाँ पे अगला जन आधार कार्ड विवरण खुल जाएगा। जन आधार कोई भी फैमिली मेंबर जिसका आधार मैप हो ई साइन कर वेरीफाई करेगा, फैमिली का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रत्येक मेंबर ई साइन जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख चुके, प्रत्येक मेंबर का ई साइन जरूरी नहीं है, यानी कि परिवार के किसी भी एक सदस्य या फिर जो संविदा कर्मी है उसी के साइन लेने और सभी के यहाँ पे जो ई साइन करने जरूरी यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों अब फॉर फ्री बेनिफिट सीएनटी पर क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा, फिर एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको संविदा कर्मी की कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप इसकी प्रिंट ले पाएंगे। ये हो गया दोस्तों संविदा कर्मी के लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और सबसे जरूरी जो सबसे ज्यादा लोग आते हैं, लघु व सीमांत किसान। तो दोस्तों यहाँ पे जब एनए दिखाता है तभी आपको यहाँ पे सीमांत किसान का आवेदन करना है। लघु सीमांत किसान के लिए सबसे पहले फ्री कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप एसएमएफ वाला ऑप्शन का चयन करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जन आधार कार्ड के अंदर आप जन आधार कार्ड संख्या डाल सकते हैं या फिर रसीद संख्या डालेंगे। उसके बाद दोस्तों उस फैमिली के किसी भी सदस्य का ई सिग्नेचर या फिर जो किसान बंदा है उसका ई साइन करेंगे। ई साइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एसएमएफ पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे आपको उसके खेत की जमीन की डिटेल फिलअप करनी होगी। उसके बाद दोस्तों एक बार आपने खेत की जमीन की डिटेल फिलअप कर ली, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में वो जुड़ जाएगा और उसकी पॉलिसी प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे। तो ये दोस्तों उनके लिए हैं जो लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। तो इसके बारे में भी ये गाइडलाइन, इसके अलावा भी दोस्तों और गाइडलाइन है जो मैं आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके करना है तो उनके लिए आप सबसे पहले अदर या पेड ऑप्शन पर करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर अदर पेड लेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पहचान संख्या दर्ज करेंगे, फिर सर्च पे क्लिक करेंगे, डिटेल खुल जाएगी, आप ई साइन करेंगे परिवार के सदस्य का, फिर पेमेंट कर लेंगे और उसके बाद पॉलिसी के प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। तो ये दोस्तों गाइडलाइन है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक और नीचे कुछ दिया गया, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, अन्य आवश्यक बातें। तो यहाँ पे दोस्तों सर्वोत्तम उपयोग के लिए मोजिला फायरफॉक्स प्रयोग करें, यानी कि आपको मोजिला फायरफॉक्स में ही इसका यूज करना है।
पहले से पंजीकरण से पहले कृपया श्रेणी की जांच करना सुनिश्चित करें। नागरिक से पूछे क्या वह संविदा कर्मी है, कि आप एसएमएफ में आते हैं या फिर अन्य भुगतान के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। तो पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि वो एनएफए से तो नहीं है, वो एससीसी शीडिंगधारी तो नहीं है या फिर संविदा कर्मी तो नहीं है। अगर इस श्रेणी में आता है तो अदर पेड में आपको आवेदन नहीं करना है। एक बार पंजीयन के बाद श्रेणी में बदलाव नहीं होगा। जैसे ही आपने एक बार साइन करके उसके फिंगरप्रिंट लगा दिए, उसके बाद उसके कोई भी बदलाव नहीं होगा। बहुत सारे ई मित्र के उसको इसके बारे में समस्या आ रही है कि किसी के पेड़ का आवेदन करना था लेकिन एसएमएफ के अंदर ई साइन करके वेरीफाई कर लिया, तो इस श्रेणी में बदलाव नहीं हो सकता। अभी ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। संविदा कर्मी एसएमएफ या अन्य भुगतान श्रेणी वाले योजना का लाभ 1 मई 2021 से ले सकते हैं, यानी कि इसका लाभ जो है 1 मई 2021 के बाद मिलेगा। आपको बार बार प्रिंट बटन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप बार बार प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका टोकन कटता रहेगा। ई साइन के लिए बायोमेट्रिक या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज के वेरीफाई करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए, जन आधार कार्ड पावती से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दो ऑप्शन दिए हुए। यदि साइट खुलने में कोई भी समस्या आ रही है, सही तरीके से साइट काम नहीं कर रही है, तो आप उस साइट पे बिल्कुल काम ना करें। आप इंतजार करें जब तक कि सही तरीके से पोर्टल काम में करने न लग जाए। तो ये भी दिशा निर्देश ई मित्र कियोस्क के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सीएम प्रेस नोट जारी हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली अपडेट में आपको बता चुका हूँ। दूसरी अपडेट है कि इसके जो आवेदन की शुल्क थी, ई मित्र पर पंजीयन के लिए नहीं लगेगा कोई भी शुल्क। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक भी व्यक्ति लाभ से नहीं रहे वंचित, सभी का आवेदन अनिवार्य है। हर परिवार के इलाज के खर्च से मुक्त करने की एक अनूठी पहल है। तो यहाँ पे दोस्तों साइड इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ई मित्र की जिम्मेदारी के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। इसके जो पार्षद विधायक वगैरह होते हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है कैंप वगैरह में। इसके अलावा दोस्तों आशा सहयोगिनी वगैरह उनको भी अपनी जिम्मेदारी के लिए कहा गया। तो ये इसके अंदर ये जानकारी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ई मित्र से जो आवेदन शुल्क 20 रुपये लग रहे थे, प्रिंट शुल्क 10 रुपये लग रहे थे, रंगीन प्रिंट के 20 रुपये लग रहे थे, ये सभी हटा दिया गया है। और ये सभी ई मित्र कियोस्क किसके द्वारा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा अलग से पेमेंट कर दिया जाएगा। कस्टमर से किसी भी प्रकार का पेमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मात्र जिसका आप अदर पेड के अंदर जाके 850 रुपये का आपको एक पेमेंट करना है, जो अदर पेड कैटेगरी में आते हैं उनके पास से मात्र 850 रुपये के प्रीमियम का कलेक्शन करना है, वही पैसे आपको लेने हैं। इसके अलावा कोई भी पैसे लेने की कस्टमर से जरूरत नहीं है। ये नए आदेश के तहत कहा गया है। कल ही प्रेस नोट जारी हुआ था जिसके अंदर एक कंप्लीटली कहा दिया गया है कि अभी बिल्कुल ई मित्र आवेदन शुल्क इसके अंदर से हटा दिया गया है। जो आवेदन शुल्क था वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक अच्छी खबर है। तो ये अपडेट थी दोस्तों इस योजना के बारे में, तो कंप्लीट जानकारी दी। इसके अलावा और कोई सवाल है तो दोस्तों हमारे चैनल पे कंप्लीट बहुत सारे वीडियो बने हुए, उन वीडियो को देख के आप अपने सवालों को क्लियर कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना भी यहाँ पे, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना भी। तो बाय बाय दोस्तों।